दरअसल यूपी के कई जिलों में पिछले कुछ दिनों के दौरान असामाजिक तत्वों ने अंबेडकर की मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर माहौल खराब करने का काम किया है। इसे लेकर कई जगहों पर तो बवाल भी हो चुका है। इससे सबक लेते हुए अब मथुरा में दलित समाज के लोगों ने खुद अंबेडकर की मूर्तियों की रक्षा करने की जिम्मेदारी संभाल ली है। गोवर्धन क्षेत्र में लोग दिन में अंबेडकर की मूर्तियों पर नजर रखने के साथ साथ युवक की टोलियां अलग अलग शिफ्टों में पहरेदारी करने में जुटी गई हैं। यही हाल मथुरा के अन्य देहात क्षेत्र के गाँव का है। शहर स्थित कई अंबेडकर प्रतिमाओं की समता फाउंडेशन से जुड़े नौजवान दिन में नजर रखने के साथ रात्रि में गश्त कर सुरक्षा में लगे हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि आए दिन बाबा साहेब की मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है और माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। हम सबके बीच आपस में झगड़े कराना चाहते हैं और यही कारण है कि हम दिन और रात में टोली बनाकर मूर्तियों की रखवाली कर रहे हैं। वहीं समता फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष लोकेश राही ने बताया कि सौक रोड स्थित अंबेडकर की प्रतिमा और इसके साथ ही शहर की अन्य मूर्तियों पर भी 24 घंटे टीमें चौकसी कर रही हैं। उन्होंने बताया कि आए दिन हो रही मूर्ति तोड़ने की घटनाओं के बाद अब हमने खुद ही मूर्तियों की सुरक्षा करने की और असामाजिक तत्वों से निपटने की ठानी है। थाना हाईवे क्षेत्र के गांव बिरजापुर में ग्रामीणों की टीम रात भर जाकर अंबेडकर की मूर्तियों की सुरक्षा करने में जुटी हुई है। दलित समाज के लोगों का कहना है कि देश में किसी भी महापुरुष की मूर्ति का अपमान नहीं होना चाहिए। मां तहसील के गांव डांगोली निवासी हर प्रसाद ने बताया कि रात में गांव के युवा जाकर निगरानी करने में लगे हुए हैं। क्या नाम है आपका? तोसिंद्र कुमार। तोसिंद जी, बताया कि आप ये लाठी लेके ये पहरा दे रहे हैं, मूर्ति का क्या कारण है? ये कारण ये जगह जगह मूर्ति तोड़ी जा रही है बाबा साहब की, तो हमने एक टीम बनाई है अपनी 10 लोगों की, तो इसलिए सिक्योरिटी के लिए 24 घंटे हम बाबा साहब की सबसे हम सब तत्व पर रहते हैं और ये माल कुछ लोग माल बहाने की कोशिश कर रहे हैं और हम 24 घंटे सत्ता पर रहेंगे हम भाई। क्या नाम है आपका? देवी प्रसाद। ये आप नफा करा लेके खड़े हुए हैं मूर्ति के सामने, क्या कारण है? लेकिन कैसे कुछ लोग माहौल को ऐसा खराब करना चाहते हैं, जगह जगह बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ रहे हैं लोग, ना तो वर्ग जैसे आपसे ही में झगड़ा फैलाना चाहते हैं, इसलिए हम बाबा साहब की सुरक्षा में कोई मूर्ति ना तोड़े हमारे इसलिए खड़े हैं। रात और दिन की सुरक्षा की जा रही है? जी, रात और दिन की सुरक्षा की जा रही है। अपने आसपास की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल मंच न्यूज को और बेल आइकन दबाएं।